दोस्तों ये है स्टोनिया देश के आबादी के बराबरी वाला सोनितपुर जिला, जो कि असम राज्य के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इस जिले का मुख्यालय तेजपुर है, जो कि गुवाहाटी से 183 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल कुछ दिनों से काफी लो चल रहा है, तो अगर आप एक लाइक करते हो तो हमारा चैनल फिर से चलने लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर करोगे। तेजपुर जो कि अपने हरे भरे चाय के बगान, खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फ से ढके और हिमालय से घिरे अंतहीन धान के खेत, ये सभी मिलकर तेजपुर को एक खूबसूरत शहर बनाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है और कृषि और मत्स्य पालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है। इसे डिब्रूगढ़ के बाद असम का सबसे पुराना शहर माना जाता है। वैसे अगर आप डिब्रूगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तेजपुर शहर के डाटा एंड डेमोग्राफी की बात करें तो ये 40 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की आबादी तकरीबन 1 लाख की है। यहाँ की आधिकारिक भाषा असमी है, लेकिन यहाँ हिंदी और बंगाली भाषा का काफी प्रचलन है। सड़क पर यदि आपको अधिकतर गाड़ियाँ AS12 नंबर प्लेट की दिख जाएं तो समझ लीजिए आप असम के तेजपुर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ 70% हिंदू, 23% मुस्लिम और 7% क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये अहोम साम्राज्य का हिस्सा रहा है, जिसकी गवाही यहाँ के मंदिरें, शानदार कलाकृति वाली इमारतें और कई सारे ऐतिहासिक ढांचे देते हैं। सोनितपुर जिला कई सारे वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। इस क्षेत्र में आपको काफी बारिश देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ के बाढ़ समस्या का एक प्रबल कारण है। यहाँ के आवागमन के साधनों पर नजर डाले तो यहाँ 3 रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसमें डेका गाँव, रंगापारा और विश्वनाथ चारीलाई शामिल है, जिसका इस्तेमाल आप भारत के अन्य बड़े शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 15 द्वारा अपने पड़ोसी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का तेजपुर एयरपोर्ट शहर से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि यहाँ घरेलू हवाई सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के अग्निगढ़ हिल, चित्रलेखा उद्यान, महावीर मंदिर, बामुनी हिल्स, ढेकिया जुली और आप यहाँ के खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी पर घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।